Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half. फिर वो तीनों लड़कियां जबरदस्ती उसे बांध देती हैं और एक एक करके उसके कपड़े फाड़ने लगती हैं, जिसके बाद वो उसके नीचे वाले सामान को पकड़कर हाथों से उसके साथ खेलने लगती हैं। वो बेचारा बंदा अकेला होता है और ये तीनों लड़कियां उसके उस सामान को पकड़कर अपने मुंह में रख लेती हैं और बिल्कुल एक जानवर के जैसे तीनों मिलकर उसे चाटने लग जाती हैं। दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में बोलूंगा तो फिर आपको भी डिस्टर्ब होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक डांस की रिहर्सल देख पाते हैं, जिसमें रिचल डांस कर रहा होता है। रिचल पूरी सिटी का सबसे अच्छा डांसर और बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। हालांकि रिचल की एक गर्लफ्रेंड एमा होती तो है, पर पूरे शहर की लड़कियां रिचल पर मरती थी और हर कोई चाहता था कि रिचल बस एक बार उसे भाव दे दे। और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी थी जिनकी नीयत रिचल पर अच्छी नहीं थी। खैर, अगले सीन में रिचल को हम उसके घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर एक लड़की उसके पास डांस की कुछ टिप्स लेने के लिए आई थी। पर इतने में ही एमा वहाँ पहुँचती है और वो रिचल से कहती है कि मेरे सिगरेट का पैकेट खत्म हो गया, तो क्या तुम जाकर के मेरे लिए ला दोगे। रिचल भी उसके सिगरेट का पैकेट लेने के लिए बाहर चला जाता है। रास्ते में हम देख पाते हैं कि वो एक बहुत आलीशान सिटी में रहता है, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। तभी वो एक सुनसान रास्ते से होकर जा रहा था, पर तभी पीछे से कोई उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बाद 6 घंटे बाद शिफ्ट होता है। इधर एमा काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि रिचल को गए हुए 6 घंटे हो चुके थे और वो अभी तक वापस नहीं आया था। इधर उन दोनों की डांस टीचर भी काफी परेशान थी, तो वो दोनों साथ मिलकर के रिचल को ढूंढने लगते हैं, पर रिचल कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन भी जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर पुलिस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो उन्हें विश्वास दिलाती है कि रिचल आसपास ही कहीं गया होगा। वो भी ये सोच लेते हैं कि शायद हो सकता है रिचल काफी परेशान हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने के लिए वो कहीं पर चला गया होगा। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं और तभी हमें शहर की एक सुनसान जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर एक वैन आकर रुकती है और अंदर से एक मास्क से ढके हुए लड़के को बाहर फेंक कर चली जाती है। वैन के जाने के बाद जब वो लड़का होश में आता है और अपने मास्क को हटाता है, तो हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं बल्कि रिचल होता है। जैसे रिचल की हालत होती है, हमें देख करके समझ में आता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, पर फिर भी वो किसी तरह से अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकालकर एमा को देता है। एमा जब 2 दिनों के बाद रिचल को घर पर वापस देखती है, तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ चला गया था, पर रिचल उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। एमा काफी हैरान हो गई थी, तो वो उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाती है और उसे एक बार फिर से वही क्वेश्चन करती है। रिचल बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, जैसे मानो उसके अंदर कोई बात उसे खाई जा रही हो। वो बहुत हिम्मत करके बस इतना बताता है कि 3 औरतों ने उसे किडनैप कर लिया था। अगले दिन जब वो एक बार फिर से डांस प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो वो देखता है कि उससे डांस किया ही नहीं जा रहा था। वो डांस करने की बहुत कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। इसके बाद वो वहां से निकलकर उसी गली में पहुंचता है जहां पर उसे किडनैप किया गया था। यहां पहुंचकर उसे कुछ कुछ याद आने लगता है कि 3 लड़कियों ने उसे किडनैप किया था। और फिर यहां से निकलकर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर अपनी रिपोर्ट लिखाता है। लेकिन जब ऑफिसर उससे उसकी शिकायत पूछते हैं, तो वो बताता है कि 3 औरतों ने मिलकर उसकी इज्जत लूटी है। ये सुनकर के वो ऑफिसर्स बहुत हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लोग उसे पागल समझ रहे थे। इसलिए उसे पुलिस स्टेशन से निकाल दिया जाता है और अगले दिन वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो वैन उसे छोड़कर गई थी। यहां पहुंचकर वो गाड़ी के टायरों के निशान देखता है और सब कुछ याद करने लगता है। इसी के साथ स्टोरी फ्लैशबैक पे चली जाती है और हम उसे वहां पर देखते हैं जहां पर उन 3 लड़कियों ने उसे किडनैप करके रखा था। जब रिचल की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि उसके हाथ पैरों को बांध कर रखा गया है और तभी उसके सामने 3 लड़कियां आती हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को कवर कर रखा था और उनकी एक लीडर होती है, जिसे वो लोग मैडम कह के पुकार रही थी। सबसे पहले मैडम अपने सिर्फ मुंह का मास्क हटाती है, बाकी चेहरे को कवर रखती है और फिर डेनियल का पैजामा हटा करके उसके हथियार को अपने मुंह में भर लेती है और फिर वो उसे सुख देने लग जाती है। इससे डेनियल भी कुछ देर के बाद मान जाता है और वो उन्हें करने के लिए दे देता है। लेकिन तभी बची हुई 2 लड़कियां भी फॉर्म में आ जाती है और वो भी उसके उस चीज को चाटने लग जाती है और तीनों लोग उसकी उस चीज पर एक साथ जुट जाती है, जिससे पहले तो उसे बड़ा मजा आता है, पर कुछ समय के बाद वो
परेशान हो जाता है क्योंकि वो लोग तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे जबकि उसका सब कुछ हो चुका होता है। अगले दिन जब डैनियल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तीनों लड़कियां उसके पास में ही खड़ी हैं जो उसकी जंजीर को ढीला कर देती हैं। और फिर मैडम उससे कहती है कि कल रात जो तुमने हमें मजा दिया है उससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत कम ही हमें ऐसे लड़के मिलते हैं जो इतना अच्छा मजा दे देते हो। इसलिए खुश होकर के हमने तुम्हारी जंजीर खोल दिया पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा। हमने तुमसे पहले भी बहुत सारे लड़कों को किडनैप किया है और हम ये करते रहते हैं। हमें जो भी लड़का पसंद आता है हम उसे किडनैप करवा देते हैं और फिर हम उससे तब तक मजे लेते हैं जब तक हमें मजे लेने का मन करता है, फिर उसके बाद हम फेंक देते हैं। ये बोल करके मैडम एक लड़की को इशारा करती है और वो एक कैंची से उसके कपड़े काटने लग जाती है। ये देख करके डैनियल काफी घबराने लगता है तो मैडम उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, जो काटने वाली चीजें सिर्फ वही काटी जा रही है। जिस चीज को लेकर के तुम परेशान हो रहे हो उससे तो तुमसे ज्यादा हमें प्यार है, उसको हम कैसे काट सकते हैं। जब उसके पूरे कपड़े हटा दिए जाते हैं तो मैडम कहती है कि तुम्हें अब हमें मजे देने होंगे, अगर तुम पूरे मन से हमें मजे देते हो और हमें खुश कर देते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पर डैनियल को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो इसकी इस बात पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देख करके मैडम को गुस्सा आ जाता है तो वो दूसरी लड़की को इशारा करती है, जिसके बाद वो लड़की एक इंस्ट्रूमेंट को उसके पैर में फंसा देती है और कसने लगती है जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। आखिरकार रिचल भी उन्हें मजे देने के लिए मान जाता है पर उसने पहले इतने नखरे दिखा दिए इस वजह से मैडम को गुस्सा आ जाता है तो वो उससे कहती है कि अब मुझे मजे लेने नहीं बल्कि तुम्हें मजे देने हैं। ये बोल करके वो एक लड़की को तैयार करती है और उसके आगे लड़कों वाला पार्ट लगा देती है और फिर उस पार्ट की हेल्प से डैनियल को पलटा करके उसके साथ वो सारी हरकतें करते हैं जिससे डैनियल को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और लगातार करती ही रहती है। ये करने के बाद वो रिचल को एक इंजेक्शन देती है जिससे उसकी गाड़ी एक बार फिर से तैयार हो जाती है और फिर वो उसकी तैयार खड़ी गाड़ी में राइड करने लगती है। एक बार फिर से वो तीनों मिलकर के उसकी ऐसी जान निकालती है कि वो परेशान हो जाता है। पर इससे उन तीनों लड़कियों को मजा बहुत आया था तो वो लोग रिचल से कहती है कि तुमने हमें बहुत मजे दिए और आज तो सच में मजा आ गया, इसलिए हम बहुत खुश हो गए और तुम्हें आज ही आजाद कर देंगे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और डैनियल अपने घर पर वापस चला आता है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और हम देख पाते हैं डैनियल अब बहुत बदल चुका है। उसका बिहेवियर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है, इवन वो तो अब डांस भी नहीं करता है। उसने अब एमा को भी छोड़ दिया है और वो अपने दोस्तों से भी दूर ही रहता है। डैनियल अब ना ही लोगों से ज्यादा बात करता है और ना ही उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है क्योंकि कोई भी उसकी बात मानता ही नहीं था कि तीन औरतों ने मिलकर के उसके साथ जबरदस्ती किया। सब लोग ये कहते थे कि उसको मजा लेना कहते हैं, जबरदस्ती नहीं। ये बातें सुनकर के रेचल को बहुत बुरा लगता था तो वो लोगों को अब अपनी प्रॉब्लम बताना ही बंद कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और तभी उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जो उसे बहुत पसंद आती है। उसका नाम मारिया था और एक दिन रेचल जब उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि तीन लड़कियों ने उसके साथ मिलकर के क्या क्या किया था तो वो लड़की उसकी इस बात को समझती है और उसे सहारा देती है। ये देख करके रेचल बहुत खुश हो जाता है कि चलो उसे पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जो उसे समझ रही है। इसलिए डैनियल उससे दोस्ती कर लेता है और बहुत ही कम समय में उनकी ये दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। अब वो लोग बहुत ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं और साथ में वो सारे काम करते हैं जो एक लड़का और लड़की करते हैं। तभी एक दिन जब वो एक क्लब में बैठ करके यही सब कुछ कर रहे होते हैं तभी अचानक से मारिया को प्यास लग जाती है तो रेचल जल्दी से उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है बगल में खड़ी हुई एक औरत पर जिसके हाथों को देख करके उसे उसी लड़की की याद आ रही थी जो उन तीन लड़कियों में से एक थी और उसके साथ मजे कर रही थी। रेचल को थोड़ा सा शक हो रहा था पर उसे क्लियर नहीं था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लेडी वॉशरूम की तरफ जा रही है तो वो उसका पीछा करने लगता है। बाथरूम पहुंच करके वो तुरंत ही उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो लेडी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, इवन वो उसका मुंह भी नोच लेती है, पर फिर भी डैनियल नहीं रुकता और उसे जान से मार देता है। के बाद वो उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करता है, बहुत सारी चीजें दबा कर देखता है। तब उसे एक बात समझ में आती है कि उसने एक बेकसूर लड़की को मार दिया, दरअसल ये वो लड़की थी ही नहीं। इससे डैनियल काफी घबरा जाता है और क्लब से भागने लगता है, पर क्लब के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और उसे जेल में भी डाल देते हैं। मारिया उसे बचाने के लिए एक वकील लेकर आती है, पर जब उसे पता चलता है कि डैनियल उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसकी बॉडी के पार्ट्स दबा रहा था तो वो भी बहुत दुखी हो जाती है और अपने वकील को लेकर वहां
से चली जाती है। इधर रेचल पुलिस वालों से माफी मांगने की कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था, वो बस गलतफहमी का शिकार हो गया था, इस वजह से उससे गलती हो गई। पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और उसे जेल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उन तीन लड़कियों को देख पाते हैं जो कौन है, कहाँ से आई है और अब क्या करेंगी, कोई नहीं जानता था। इधर बेकसूर रेचल जेल में होता है और उधर वो गुनाह करने के बावजूद भी लोगों के बीच खुलेआम घूम रही थी और अपना अगला शिकार ढूंढ रही होंगी, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और मूवी डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कॉमेंट्स में दिया होगा। धन्यवाद।